प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क और मैं आपका होस्ट आइन जंक्शन आज आपके लिए इस ग्रेस किड शो में एक स्टोरी लाया हूँ जो कि बाइबल स्टोरी है और मेरा ईमान है कि इसके वसीले खुदा आपको बहुत बरकत दे। आई एम उससे पहले एक यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी हम 14 आयात को हम पढ़ने वाले होंगे। पस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। यकीनन प्यारे बच्चों, आपने जिस तरह देखा कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे पास जो पिक्चर्स हैं आप इसमें देख सकते हैं कि उस टाइम क्या वो माहौल होगा। आप एक बार सोचें, उसको अपने जहन में लाएं कि किस तरह पहले यीशु मसीह ने उनके साथ बैठकर रफाकत की, उनके साथ बैठकर बातचीत की, फिर बाद में उनके पांव धोए। अब मिसाल के तौर पे बाप का एक टीचर है, वो आपके पांव धोए तो आपको क्या फील होगा, मतलब आपको कैसा फील होगा कि आपका एक उस्ताद आपके पांव धोए और फिर उसको साफ भी करे। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए तो फिर उनको साफ भी किया, मतलब कि यीशु मसीह ने उनको ये नमूना दिया। यहाँ पर लिखा है कि और क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। नमूना क्या दिखाया था? आपके दोस्त जो यीशु मसीह है उन्होंने क्या नमूना दिखाया था कि हमें छोटा बनना है। वी वॉन्ट टू बी आ स्मॉल, वी वॉन्ट टू बी आ हम्बल, हमें हलीम बनना है। हमने ये नहीं देखना कि हमें खुदा ने कितनी बरकतें दी हैं। इट्स वेरी गुड कि खुदा ने हमें बरकतें दी हैं, लेकिन हमने बरकतों के साथ अपनी हम्बल जो चीज़ें होती हैं उनको भी दिखाना है। लाइक कि हमें हलीम बनना है अपने यीशु मसीह की तरह। के प्यारे बच्चों, की जिस तरह उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके शागिर्द हैं क्या है, नो, उन्होंने जस्ट ये देखा है कि मैं इनको एक नमूना बन के दिखाऊँगा। सो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम भी होली थर्सडे की तरह अपने आप को हम्बल बनाएं, यीशु मसीह की तरह अपने आप को हम हम्बल बनाएं, ताकि लोग जानें कि वाकई के ये जो बच्चे हैं ये यीशु मसीह को मानने वाले बच्चे हैं। आप ये देखते होंगे कि बच्चों जो आपके उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उनको खुदा ने बहुत बरकतें दी होती हैं, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बरकतें होती हैं पर वो लाइका बहुत से उनमें मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात क्या होती हैं कि वो किसी से ठीक तरीके से बात नहीं करते, मतलब वो समझते कि हम बहुत कुछ हैं। नो, मसीह यीशु में हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे पास बरकतें हैं, नेमतें हैं, तो हमें प्यारे बच्चों चाहिए कि उन नेमतों का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उन नेमतों को हम दूसरे बच्चों के लिए इस्तेमाल करें जिनको इस बारे में नहीं पता कि हु इज़ जीसस, यीशु कौन है। हमें चाहिए कि हम अपने उस हलीमी अंदाज के साथ जो कि हमारे दोस्त यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ किया, उसी अंदाजे के साथ हमें चाहिए कि हम भी दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मसीह की मोहब्बत को शेयर करने वाले हो सकें। सो मेरा ईमान है कि प्यारे बच्चों, जो आज की स्टोरी है वो आपके लिए बहुत सी बायस से बरकत ठहरेगी, और मेरा ईमान है कि आपके साथ आपके जो माँ बाप हैं वो अगर इस स्टोरी को देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी एक चैलेंज है कि आप भी अपना आप यीशु की तरह बनाएं, ताकि लोग जानें कि ये वाकई मसीह के लोग हैं। क्योंकि खिदमत एक जस्ट बात है, उसको करना एक बहुत बड़ा काम है जो कि आपका और हमारा फ़र्ज़ है कि हमने अपने उस हलीमी अंदाज के साथ जो मसीह का था उस अंदाज के साथ हमने इस अंजील को दुनिया के आखिर तक पहुंचाना। और मेरा ईमान है प्यारे बच्चों कि आज की स्टोरी के वसीला खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, और मुझे पता है कि आज के ग्रेस किड्स की स्टोरी के वसीला से बहुत मज़ा आया होगा आपको। मुझे खुद बड़ा मज़ा आया आपको स्टोरी सुनाने का। सो आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप देख रहे हैं ग्रेस किड्स और ग्रेस नेटवर्क। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।